अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बता दें कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। कुवैत के अंदर बहुत ही खतरनाक, डेंजर कह सकते हैं, डस्ट स्टॉर्म वाली यानी कि हवाएं चली है जिनके कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आपने डस्ट तो और भी देखा होगा, लेकिन जो लास्ट नाइट यानी कि मंडे नाइट से जो डस्ट आया है बहुत ही बैड है, जिनके कारण आपको बता दें कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाली सभी फ्लाइटों के ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है। जैसे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेज्यूम्ड एयर ट्रैफिक। दोस्तों बताया जाता है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6 बजे इवनिंग यानी कि मंडे 6 बजे इवनिंग से ही रोक लगा दिया है। ये अफेक्ट पड़ा है उन सभी इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर जो यहाँ से यानी कि उड़ान भरने वाली थी, उनके अलावा जो भी फ्लाइट आने वाली थी उनके ऊपर भी काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। आपको बता दें कि कुवैत का जो DGC है अल जलावी, उनके द्वारा कुछ फ्लाइट को स्चेडल कर दिया गया है, यानी कि जो भी फ्लाइट कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज उड़ान भरने वाली थी उनका डेट को भी स्चेडल कर दिया गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी बैड अपडेट है उन सभी के लिए जो लोग भी यहाँ से उड़ान भरने वाले थे, यानी कि डिपार्चर वाले फ्लाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है। वहीं पे दोस्तों बता दें कि कुवैत मौसम विज्ञान के द्वारा बताया गया है कि कुवैत में यानी कि 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के तहत ये जो हवाएं चली है डस्ट स्टॉर्म, बहुत ही खतरनाक वाली डस्ट स्टॉर्म चली है। तो दोस्तों जो लोग भी बाहर में हैं अपना ध्यान रखें। कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर